जगह में तंदीराम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार फाइनली धनुष की मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हालांकि धनुष की हर एक मूवी मच अवेटेड ही होती है, लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसा बोलना पड़ता है कि धनुष की मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर आ चुका है। देखो यार, धनुष उन एक्टर्स में से एक है जिसको अब कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। उसने ना सिर्फ साउथ बल्कि इंडिया तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में अपना एक डंका बजा के रखा है। और धनुष की प्रीवियस मूवी आपने करणन देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस नेशनल लेवल एक्टर से आप लोग का पाला पड़ा है। ये उन एक्टर्स में से एक है, अगर इसका बस चले तो भाई हर एक मूवी में नेशनल अवार्ड ले ले भाई बंदा। वर्सटाइल एक्टर है, फाड़ू एक्टर है। और इनकी मूवी की एक खास बात बता दूं कि अगर ये गैंगस्टर का रोल दोबारा से भी प्ले करे ना, तो फिर भी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि यार इसने इस पर्टिकुलर रोल को ही पहली बार निभाया। और ये है मैजिक ऑफ धनुष। और धनुष एक सिंपल सी ऑर्डिनरी मूवी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का दम रखते हैं। अगर आप लोग जगह में तंदीराम के ट्रेलर को देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड मूवी को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही धनुष की एंट्री होती, नहीं यार भाई देसी मूवी है, ये अपने साउथ की मूवी है, अपने धनुष की मूवी है। और धनुष की एंट्री है, वो जो उसका मुस्टैज है, ये सारी चीज़ें धनुष ही कैरी कर सकते हैं भाई। ये एक वो बंदा है जो लुंगी और बनियान में भी लोगों को फ़ैन बना सकता है। मैं इतना ही बोलूँगा धनुष के लिए कि यार तुम्हारी मूवीज़ को लोग एंटरटेन होने के लिए नहीं, बस एक फेस्टिवल के तौर पर देखते। और जब इसका ट्रेलर रिलीज हो तो आई वॉज वेरी अपसेट, बिकॉज यार ये मूवी थिएटर डिजर्व करती है। और यही नहीं, धनुष की हर मूवी, आने वाली हर एक मूवी या प्रीवियस जितनी भी मूवीज़ थी, वो सारी की सारी थिएटर ऑडियंस डिजर्व करती है। लेकिन कोविड की वजह से हमारे इंडिया में थिएटर्स की प्रॉब्लम चल रही है, आपको तो पता है, थिएटर सारे के सारे बंद है। और धनुष की मूवीज़ का वेट हमसे नहीं होता है, तो नेटफ्लिक्स पर आने से चलो ठीक है, हम लोग उसको 18 तारीख को देख लेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा धनुष को ही होगा। इसका फ़ायदा धनुष को होगा वो ऐसे, देखो जब धनुष की मूवी रिलीज़ होती थी तो साउथ बेल्ट में पहला होती थी, वहाँ पे लोग देखते थे, फिर उसके बाद हिंदी बेल्ट में, या तो फिर वो यूट्यूब में हिंदी डब में देखते थे, या तो फिर टेलीविज़न पे आती थी तब देखते थे। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर आने से फ़ायदा ये होगा कि अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरे इंडिया की ऑडियंस धनुष की इस पर्टिकुलर मूवी को देखेगी घर में बैठ के। और उसके बाद धनुष की जो फ़ैन फॉलोइंग वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी है उसके आगे आप लोग बता देना, उसमें बढ़ जाएगी। और मैं खुश हूँ धनुष के लिए कि यार फाइनली हमारे इंडिया में कुछ तो ऐसे एक्टर्स हैं जो लोग इज्जत बचाए रखे, वरना आपको तो पता है कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिसको करोड़ों फ़ैन फॉलो करते हैं, उनकी मूवीज़ नील बट्टे होती है। लेकिन धनुष उन एक्टर्स में से है कि जो इज्जत बचा के रखे और एटलीस्ट वो एंटरटेन प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट मूवी उनकी, उसके लिए अगर अवार्ड नहीं मिला धनुष को, तो भाई मैं मूवीज़ देखना छोड़ दूंगा। और अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करूँ तो यार ये फुल टू एंटरटेन होने वाली मूवी में आपको कॉमेडी, एक्शन, गजब की स्टोरी और धनुष का फाड़ू परफॉर्मेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। और कार्तिक सुब्बराज का डायरेक्शन भी बढ़िया लग रहा है फिलहाल तो। और अगर BGM की बात करो तो भाई साउथ की मूवीज़ की एक खास बात बता दो, स्पेशलिटी वो है उनके BGM। हर एक मूवी का BGM आपको अलग लगता है, और भले उनकी मूवी पूरी की पूरी फॉरेन कंट्री में भी क्यों ना शूट हो, लेकिन जो उनका एसेंस है ना साउथ वाला, वो आपको फील होता है। और इस पर्टिकुलर मूवी में भी वो उसका BGM यार ट्रेलर को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा था। ओवरऑल ये उन मूवीज़ में से एक जो डेफिनेटली हिट होगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये फ्लॉप होने का तो कोई चांस ही नहीं। परफॉर्मेंस के लिए धनुष को मैं अब भी 100 out of 100 देता हूँ भाई, मूवी देखे बिना। इट्स द पावर ऑफ धनुष। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप उन ऑडियंस में से एक हो जो चाहते थे ये बड़े लोग मूवी को थिएटर में रिलीज़ होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपको OTT पर देखने को मिल रही है, तो इस पर आपका क्या टैग है वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।